नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले किटकैट मिल्कशेक की रेसिपी, जो बच्चों को बहुत पसंद रहता है, बहुत ही यम्मी है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। इसके लिए मैं 2 पैकेट किटकैट की जो चॉकलेट रहता है वो ले लिया हूँ, 25 रुपये का है। आप चाहें तो आपके बच्चों को जो भी पसंद रहता है जो चॉकलेट, वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आइस क्यूब लिया हूँ, 2 चम्मच शक्कर लिया हूँ, मीठा आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर मैं आइसक्रीम लिया हूँ, ऑप्शनल है, और 1 कप मिल्क। तो चलिए सारे चॉकलेट को इसको निकाल लेते हैं, निकाल के प्लेट में रख देते हैं। मैं इधर जो आइसक्रीम लिया हूँ ना, वो वेनिला फ्लेवर का है, घर की ही है, तो मैं घर पर बनाई थी, तो इसके लिए उसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है आइसक्रीम, या फिर आप बाज़ार से ले सकते हैं, या फिर स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे दोनों पैकेट को ऐसे फाड़ के उसका जो चॉकलेट है उसको निकाल देंगे। और ये देखिए चॉकलेट मैंने सारा निकाल दिया हूँ, और उसको ऐसे प्लेट में रख के एक अभी ना मिक्सचर जार ले लेंगे। मिक्सचर जार लेके ना, तो अभी इन्ग्रीडियंट सारे जार डाल देंगे। मिक्सचर जार थोड़ा सा बड़ी लीजिएगा, क्योंकि जो हम लोग मिल्कशेक बनाएंगे ना, इसके लिए थोड़ी सी बड़ी जार लीजिएगा, जो मिल्कशेक या फिर डोसा वगैरह बनाते हो वो वाली बड़ी वाली लीजिएगा। और इसके बाद चॉकलेट डाल दिया हूँ, और आइस क्यूब डालने के बाद शक्कर डाल दिया हूँ। शक्कर डालने के बाद मैं 2 बड़े चम्मच आइसक्रीम डाल रहा हूँ। आइसक्रीम डालने से ना बहुत ही क्रीमीनेस और बहुत ही थिक हमारा मिल्कशेक बन के रेडी होएगा। तो इसके लिए मैंने आइसक्रीम डाला हूँ। आप चाहे तो घर की अगर मलाई रहता है ना, दूध उबालने के बाद ऊपर जो मलाई रह जाता है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद दूध डाल दिया हूँ, और ढक्कन लगा के उसको पीस लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही थिकनेस और क्रीमीनेस दिख रही है हमारा मिल्कशेक। वाह, बाज़ार से भी बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यम्मी एंड हेल्दी भी है, क्योंकि घर पे बना रहे हैं, बाज़ार के जैसे नहीं बन रहा है, उससे भी और ज़्यादा टेस्टी बन रहा है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। आगे जो भी मैं इंटरेस्टिंग नया वीडियो डालूंगी, नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाएगी। और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं ले रहा हूँ ना, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से चेक कर लीजिएगा। और एक एक कांच गिलास में ले लिया हूँ कांच का, और ऊपर से ऐसे चॉकलेट सिरप डेकोरेट थोड़ा सा कर लिया हूँ। बिना चॉकलेट डेकोरेशन करके भी आप बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को ना, तो थोड़ा सा मैं ऊपर से ऐसे गार्निशिंग कर लिया हूँ। चॉकलेट सिरप है तो आप कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। और जितना है ना हमारा जो मिल्कशेक, उसमें सारे डाल दिया हूँ मैं ग्लास में, और मेरा थोड़ा सा बच गया था, तो आइसक्रीम ऊपर से ऐसे मैंने डेकोरेट कर लिया हूँ। आइसक्रीम बिना भी आप ऐसे बच्चों को दे सकते हैं। और देखिए इतनी गर्मी हो गई है कि मतलब इधर हो गया है कि आइसक्रीम भी पिघल गया है, तो ऊपर से थोड़ा सा मैं चॉकलेट सिरप डेकोरेट कर लूँगी दोस्तों। और ये देखिए ऐसे नया नया इंटरेस्टिंग डिश ना, बच्चों को अगर रोज़ रोज़ अलग अलग कुछ बना के देंगे ना, तो बहुत ही पसंद करके वो पियेंगे या फिर खाएंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए एक स्ट्रॉ लगा दिया हूँ, और थोड़ा सा ऊपर से चॉकलेट सिरप डेकोरेट कर लिया हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी और मज़ेदार, बाज़ार से भी अच्छी दिख रही है दोस्तों। और ये देखिए सबको पसंद आएगा, बच्चों से लेके बड़ों को बहुत पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और किटकैट चॉकलेट भी बहुत पसंद आ रही है, मेरा तो बहुत फेवरेट है किटकैट चॉकलेट। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो कितनी मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ऐसी गर्मी में ठंडी ठंडी कुलकुल अगर चॉकलेट सिरप मिल जाएगा तो बहुत अच्छी है। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी। बाय बाय।